सहरसा लोकसभा चुनाव से पहले ही जिला पुलिस की सक्रियता के कारण बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस की कार्यवाही में जहां एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री के साथ साथ गन बनाने की मशीन, अर्धनिर्मित अवैध हथियार एवं भारी मात्रा में गोली बरामद की गई है। संचालक पिता पुत्र सहित 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जहां इस संबंध में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गुरुवार सुबह करीब 1 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बनमा इठहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणिया नियाजी महदुम आलम के घर में एक अवैध मनीगन संचालित हो रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर के नेतृत्व में मानवीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए महबूब आलम पे कलामुद्दीन लक्ष्मणिया थाना बनमा इठरी जिला सहरसा के घर पर छापेमारी की गई है, जहां से 11 अवैध देसी अग्नियास्त्र एवं 152 जिंदा कारतूस एवं हथियार निर्माण व बरामदी में प्रयोग किए जाने वाले अन्य अवैध सामग्री उपकरण बरामद किए गए हैं। अभियुक्त महबूब आलम ने पूछताछ के में ज्ञात हुआ कि अपने पुत्र काशिफ राजा, अशी राजा दोनों पे महबूब आलम लक्ष्मणिया थाना और बनमा इठरी जिला सहरसा के साथ अवैध मनीगन फैक्ट्री में कारतूस व हथियार निर्माण व बरामदी का कार्य करते हैं। उक्त तीनों अपराधियों को विधि सम्मत गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में बनमा इठरी थाना में आम सेक दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 देसी पिस्टल, 2 दोनाली बंदूक, 6 एक नाली बंदूक तथा 2 देसी कट्टा, 3 दोनाली का बैरल, 3 अर्ध निर्मित बैरल, अर्ध निर्मित कच्चूल का बॉडी, 1 अर्ध निर्मित लकड़ी का बट, 1 चाप महीन, 1 ग्राइंडर मशीन, 2 इलेक्ट्रॉनिक कटर, 1 इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन, 2 हाथ से चलाने वाली ड्रिल मशीन, 1 रेती आरी पेचकस, 6 छेनी, 1 मैगजीन एवं 152 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समरी बख्तियारपुर, पुलिस उपाधीक्षक अजित कुमार, प्रभारी जिला सूचना इकाई रामशंकर एवं जयशंकर, ज्योतिष कुमार थानाध्यक्ष बनमा इठरी अनिल कुमार सिंह शामिल। हमने कहा कि सहरसा पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शस्त्र जो रखे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसे जो अपराधी हैं, जो पहले के जो अपराधी हैं, हम लोग आसूचना संकलन करके बारी बारी से उनको सर्वेलेंस पे रख के उनको हम लोग हमेशा मॉनिटर कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी टीम को सूचना मिली कि बनमा इटेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणिया निवासी महबूब आलम के घर पे एक अवैध मिनी गन की फैक्ट्री चल रही है। जैसे हमें सूचना मिली, एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस टीम को सिमरी बख्तियारपुर SDPO हमारे लीड कर रहे थे, और साथ ही में उनको टेक्निकल असिस्टेंस एवं टीम में DSP साइबर अजीत थे, और इन दोनों की टीम जब इनके घर पे रेड बनमा इटहरी थाना क्षेत्र में, तो इन्होंने पाया कि एक जो सही में ये सूचना सही है, और वहाँ पे एक इलीगल एक मिनी गन फैक्ट्री पाई गई। उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ बरामद भी किया है, और जो इसके संचालक थे उन्हें हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है। इसमें अन्य भी जो लोग हैं उनको भी हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे, और हम लोग जो भी ऐसा घटना कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसमें जो हम लोगों ने बरामद किया है उसमें 1 देसी पिस्टल है, 1 2 नाली बंदूक है, 2 1 नाली बंदूक है, 6 देसी कट्टा है, 2 2 नाली का बैरल है, 3 अर्ध निर्मित बैरल है, 3 अर्ध निर्मित बंदूक का बॉडी है, 1 अर्ध निर्मित लकड़ी का पट है, 3 चाप मशीन है, 1 ग्राइंडर मशीन है, 2 इलेक्ट्रॉनिक कटर है, 1 इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन है, 2 हाथ से चलाने वाला ड्रिल मशीन है, मैगजीन है, एवं कुल 152 कारतूस हम लोगों ने इनके यहाँ से रिकवर किया है, जो कि एक बड़ी रिकवरी है। इसको लेकर के बनमा इटहरी में कांड संख्या 12-24 दर्ज किया गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट के अप्रोप्रिएट सेक्शंस लगाए हुए हैं, और हम लोग इनका स्पीडी ट्रायल करा के इन्हें सजा भी दिलवाएंगे। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं इसमें 3 हैं जो हम लोग अरेस्ट किए हैं, उनका नाम महबूब आलम है, काशिफ राजा हैं और अली राजा हैं। ये तीनों लक्ष्मणिया गांव थाना बनमा इटहरी जिला के ही निवासी हैं। जो टीम में शामिल थे वो हमारे SDPO सिमरी बख्तियारपुर, DSP साइबर अजीत, पुनी रामाशंकर, पुवनी जयशंकर, पुवनी ज्योतिष कुमार जो थाना अध्यक्ष बनमा इटहरी के हैं, और जो हमारे वहाँ के जो बल हो गए बनमा इटहरी के, और जो हमारे DIU हैं उसका जो बल है, जो सिपाही गण है वो लोग थे। तो एक अच्छी रिकवरी है, और इसमें स्ट्रांग मैसेज, अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं,
और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज का हम लोग खुलासा करेंगे। क्या सर ये हथियार कहाँ सप्लाई की जा रही थी? इनका एक ये एक व्यवसाय की तरह काम करते हैं ये लोग, जो है डिमांड के हिसाब से ये लोग जो ग्राहक होते हैं उनको ये लोग बेचते हैं, तो यही इनका पेशा है। इनका जो और भी जो लिंक्स हों उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि कल ही हम लोग उसका उद्भेदन किए हैं, तो हम लोग को हल्का इन्वेस्टिगेशन में और इसमें डीप घुसना है, तो उसको हम लोग करा रहे हैं। क्या कनेक्शन इसका सर मुंगेर सबसे भी है?